अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं और विद स्टॉप लॉस और विदाउट स्टॉप लॉस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो आपने बहुत लोगों से सुना होगा, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टीपी। ठीक है, ये होता है ट्रेड प्रॉफिट। ठीक है, और एक होता है SL, ये होता है स्टॉप और लॉस। ठीक है, अब इनका फंक्शन ये होता है कि टेक प्रॉफिट के आपने आपका एनालिसिस क्या कह रहा है और कहां तक ट्रेड जाएगी, कहां तक कॉइन पंप हो सकता है या डंप हो सकता है इन फ्यूचर ट्रेड के केस में। तो आप उसके अकॉर्डिंग टीपी लगाते हैं कि जब आप नहीं भी हो, अगर उस पॉइंट को टच करते हैं तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए और आपका प्रॉफिट बुक हो जाए। सेम सिनेरियो होता है आपका स्टॉप लॉस में। स्टॉप लॉस नाम से पता है कि आपका लॉस, आपके लॉस को स्टॉप करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आप अगर नहीं है, क्योंकि आप अगर फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, जो फुल टाइम ट्रेडर भी होते हैं वो भी पूरा दिन अपनी ट्रेड को मॉनिटर नहीं कर सकते, तो वो स्टॉप लॉस लगाते हैं कि इनकेस उनकी ट्रेड रिवर्स हो जाती है, उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली नहीं जाती, तो वो ट्रेड एक लिमिटेड लॉस के साथ उनको, मतलब वो लॉस देके तो वो ट्रेड क्लोज हो जाए। ठीक है, तो मैं मतलब एक्सट्रीम वर्स्ट केस यहाँ पे ले रहा हूँ, वैसे यहाँ पे कुछ मतलब बन नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये ट्रेड का एक सेटअप बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज आपने ये कैंडल थी, इसकी क्लोजिंग पे यहाँ पे शॉर्ट कर ली। लेट्स सपोज यहाँ पे आपने ये जहाँ पे आपने शॉर्ट की पोजीशन ले ली, आपको लगता है कि मार्केट डाउनवर्ड जाएगी। ठीक है, अब ये मैं और रिस्क रिवार्ड रेशियो में आपको शायद मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हो कि रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा 1:2 रखना चाहिए या 1:3-4 हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मिनिमम 1:2 जो है वो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है कि लाइक अगर आपको ट्रेड स्टॉप आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको $1 का लॉस होगा, लेकिन अगर टीपी आपका हिट होता है तो आपको $2 का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, ये केस अगर आप लेके चलेंगे तो इन केस अगर आपकी 10 में से 7 ट्रेड भी सक्सेसफुल जाती हैं, 3 भी आपका SL हिट होता है, तो आप फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे अगर आपने स्टॉप लॉस रख दिया, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, या यहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस रख दिया, ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस कैंडल पे, तो ये 2:10 दिखा रहा है। ठीक है, तो टू इसका क्या होना चाहिए, 4:20 जो है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तकरीबन इतना रिस्क टू रिवार्ड रेशो होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जैसे ही एंट्री ली तो मार्केट वापस से पंप कर गई। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये। ठीक है, और ठीक है, मार्केट अब स्टिल यहाँ से काफी पंप में। ठीक है, तो अगर आपने स्टॉप लॉस अगर आपने यूज किया होता, ठीक है, तो आपकी ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो जाती। ठीक है, और ये जहाँ पे भी देखें कितना ऊपर गया है तो आपको इतना लॉस ना होता। ठीक है, तो आपको 2.10 आपका जितना भी मार्जिन या कैपिटल था जो आपने इन्वेस्ट किया था उसका 2.10% आपको लॉस हो जाता और आपकी ट्रेड क्लोज हो जाती। ठीक है, अब देखें 2% और यहाँ पे तकरीबन 8% 7.60। ठीक है, खुद हिसाब लगा लें, मतलब 5% ज़्यादा यहाँ पे आपको लॉस होता। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ होती है स्टॉप लॉस की, कि कभी भी अगर मार्केट आपके रिवर्स में चली जाती है तो आप जो है तो वो उसको हैंडल कर सकते हैं। और अच्छा, ये मैं आपको इतना बता रहा हूँ, इसमें मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उनका तो कैपिटल ही मतलब थोड़ा होता है, या जितना भी अगर $100 भी हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ज़्यादा लिवरेज ले लेते हैं और ज़्यादा मार्जिन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो उनकी तो यहाँ पे तो की नहीं बनती, वो तो यहीं पे कहीं पे आके तो उनका जो है तो वो काम जो है वो तमाम हो जाता है, उनकी लिक्विडेशन प्राइस बहुत करीब होती है और यहाँ कहीं पे आके ना वो लिक्विडेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो होता है कि आपने
जो है वो 3% अपना मार्जिन, और 20 के अगर आप लेवरेज लेते हैं तो बेस्ट है, ठीक है। इससे ज्यादा आप ना जाएं, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा लेवरेज होती है उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट तो होता है, लेकिन उतना आपको लॉस का भी होता है, और उतना ही जल्दी आपका लिक्विडेशन प्राइस पर डिपेंड करता है आपके मार्जिन पे ना, ठीक है। जितना आप मार्जिन यूज करोगे उसके, अगर ज्यादा मार्जिन यूज करते हो और लिक्विडेशन सॉरी लेवरेज भी आपकी हाई है, तो आपकी लिक्विडेशन प्राइस काफी करीब हो जाती है, ठीक है। तो टेक प्रॉफिट भी आपका लगाना जरूरी है, लेकिन स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। अभी आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि आप किस तरह मैक्सिमम प्रॉफिट एक ट्रेड से ले सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू, और दूसरा इन केस अगर आपकी ट्रेड लॉस में जाती है तो आप कैसे उसको प्रॉफिट में ला सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाजमी से लाइक करें। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और उसमें मैं आपको डिफरेंट मेथड्स वगैरह इसके बताऊंगा जिससे आपको बेनिफिट होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।